घायल शंभुनाथ एकाएक वन क्षेत्र से गायब हो गया था। ये देखकर ग्रीक सैनिक एक पल के लिए तो हतप्रभ रह गए थे, मगर फिर वे तुरंत ही घने झुरमुटों में उसे यहां वहां तलाश करने में जुट गए। लेकिन तभी ग्रीक सेना का प्रधान नायक आगे आया और सैनिकों को आदेश देते हुए चिल्लाया, रुक जाओ, उसे ढूंढने में समय नष्ट मत करो। वैसे भी उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, हमें रोकने वाला अब कोई नहीं है, इसलिए अब बिना देर किए हम सीधा मगध में प्रवेश करेंगे। मार्ग में जो भी ग्राम प्रांत या नगर दिखाई दे उसे आग लगाकर नष्ट कर डालो, नागरिकों का वध कर दो। तब तक सेनापति सेल्यूकस भी पश्चिमी सीमा से मगध में प्रवेश कर चुके होंगे और जब वह यहां आए तो उन्हें समूचा मगध धूल धूसरित दिखाई देना चाहिए। ये कहते हुए वो एकाएक रुका। उसने देखा कि इस युद्ध में कुछ वनवासी जीवित बच गए थे जिन्हें ग्रीक सैनिकों ने घेर रखा था। सेना नायक बहुत ही क्रूरतापूर्वक बोला, ये तुच्छ वर्णी जंगली अभी तक जीवित क्यों है? तुरंत इनके सर धड़ से अलग कर दो। उसका आदेश पाते ही ग्रीक सैनिकों ने अपनी तलवारें तुरंत ऊपर उठाई। लेकिन तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ सेनानायक। सेनानायक ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सेना चली आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह मगध की ही कोई और सेना है, इसलिए वो तुरंत अपने सैनिकों पर चिल्लाया, मोर्चा बांध लो, हमें एक और युद्ध लड़ना होगा। मगर तभी उसने गौर किया कि वो सेना मगध के नहीं थे, बल्कि उस सेना में ग्रीक सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और इनका नेतृत्व कोलीन कर रहा था। यह सब देखकर सेना नायक हतप्रभ रह गया। वो धीमे से बड़बड़ाया, ये तो सेनापति कोलीन है, किंतु ये अचानक यहां कैसे, और ये मुझे ऐसे चेतावनी भरे स्वर में ललकार क्यों रहे हैं? तभी कोलीन उसके निकट आते हुए थोड़े आक्रोशित स्वर में बोला, सेना नायक, यदि खुद को और अपने सैनिकों को जीवित देखना चाहते हो तो इसी समय वापस यूनान लौट जाओ। अब यह सुनकर तो सेना नायक घोर आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, सेनापति कोलीन, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो स्वामी सेल्यूकस ने मगध पर आक्रमण करने का आदेश भिजवाया था, और ये देखिए, मगध की सेना का सफाया करके हमने उत्तर पूर्वी सीमा पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब हम मगध में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कोलीन अब कठोर स्वर में बोला, तुम अब मगध में प्रवेश नहीं करोगे, बल्कि यहीं से वापस लौट जाओ। नायक भी अब सहसा आवेश में आते हुए कहने लगा, तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो कोलीन? मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मेरे स्वामी तुम नहीं बल्कि महान सेल्यूकस है, और केवल उनका ही आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। उनके आगे तो मैं तुम्हें भी कुछ नहीं मानता, इसलिए यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो। नायक उससे आगे अभी कुछ कहता कि सहसा गुस्से से भरा हुआ कोलीन अपने घोड़े से नीचे उतरा और सेना नायक की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, तेरा इतना साहस कि तू मेरा यूं अपमान करे। इसी के साथ उसने तुरंत ही अपनी तलवार सेना नायक के गर्दन पर चला दी। सेना नायक का सर उसके धड़ से अलग हो गया। इसके बाद कोलीन अपनी तलवार उठाते हुए सेना नायक के सैनिकों को चेतावनी देते हुए बोला, मगध का यह क्षेत्र अब मेरे अधीन है, तुम्हारा सेना नायक अब मारा जा चुका है, अब या तो तुम सब वापस यूनान लौट जाओ या सेल्यूकस के बजाय मेरी अधीनता स्वीकार करते हुए मेरे सैनिकों में सम्मिलित हो जाओ, अन्यथा तुम सबका भी वही हश्र होगा। और यही नहीं बल्कि तुम्हारे स्वामी सेल्यूकस का भी अब वही हश्र होने वाला है। सिकंदर महान के सभी सहयोगी अब मेरे पक्ष में हैं। सेनापति ऑर्किलीज शीघ्र ही अपनी पूरी सेना लेकर यहां आ रहे हैं। कोलीन की यह धमकी सुनकर प्रधान नायक के सभी सैनिक भयभीत हो उठे। कोलीन जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह रहा था उसे सुनकर लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। सारे सैनिक अब चुपचाप वहां से चल दिए। हालांकि इन सैनिकों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर उनका ही एक सेनापति उनके ही विरुद्ध क्यों हो रहा है, और यही प्रश्न दूर खड़े वनवासियों के मन में भी उठ रहा था कि एक ग्रीक सेनापति ने अपने ही प्रधान सेना नायक को क्यों मार डाला। तभी कोलीन उन वनवासियों को संबोधित करते हुए बोला, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ना तो तुम्हारा वध करूंगा
और ना ही मगध पर आक्रमण करूंगा। किंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम लोग तुरंत मेरा एक संदेश लेकर मगध के राजमहल चले जाओ। इसी के साथ उसने एक भोजपत्र निकाला और वनवासियों को देते हुए कहने लगा, यह पत्र मैंने राजा आंभी के नाम लिखा है, जो इस समय मगध के राजमहल में है। तुम उससे कहना कि उसके प्रांत गांधार के सैनिक एकदम सुरक्षित हैं, और तुम्हारे उस आचार्य चाणक्य से कहना कि यदि सेल्यूकस के विरुद्ध इस महायुद्ध को जीतना है तो मेरा सहयोग करें। इसी के साथ तुम उन्हें यह सब भी बताना जो यहां तुमने देखा। बाकी बातें मैंने पत्र में लिख दी हैं। और हां, मगध के इन घायल सैनिकों को भी अपने साथ लेते जाओ ताकि इनका उपचार हो सके। वे भोले भाले वनवासी पहले तो असमंजस की स्थिति में खड़े रहे, फिर ना जाने क्या सोचकर उन्होंने वो पत्र ले लिया। इसके बाद वे युद्ध भूमि में घायल पड़े मगध के कुछ सैनिकों तथा वनवासियों को लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गए। उनके वहां से जाने के बाद दूर एक घने झुरमुट में छुपा हुआ अमात्य राक्षस बाहर निकला और सीधा कोलीन की ओर आया। कोलीन ने उसे देखते ही कहा, अमात्य, जैसा तुमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वे वनवासी मेरा संदेश लेकर राजमहल चले गए। अमात्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई कोलीन, वरना उस कुटिल कौटिल्य ने राजमहल के चारों ओर ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र बना रखा है कि आंभी तक संदेश पहुंचाना असंभव था। लेकिन अब उन वनवासियों को महल में घुसने से कोई नहीं रोकेगा, और अब हेलेना खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। यह सुनकर कोलीन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, लेकिन हेलेना को पाने के लिए वो इतना उतावला हो रहा था कि उसने अमात्य से पूछा, अमात्य, अब क्योंकि यहां ना मगध की सेना बची है और ना ही सेल्यूकस की, तो फिर हम हेलेना का इंतजार करने के बजाय क्यों ना नगर पर ही धावा बोल दें और हेलेना को राजमहल से निकालकर अपने कब्जे में कर लें। मेरे पास अपनी अच्छी खासी सेना है और तुम्हारे पास भी गांधार के सैनिक हैं। मगर अमात्य ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्खों जैसी बातें मत करो कोलीन, तुम अभी उस चाणक्य को नहीं जानते। उसने नगर और राजमहल की सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था कर रखी है कि तुम और तुम्हारे सारे सैनिक बेमौत मारे जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारा सरोकार हेलेना से है, ना कि मगध से, इसलिए तुम मगध पर हरगिज आक्रमण नहीं करोगे, बल्कि सेल्यूकस की शक्ति को कमजोर करोगे ताकि वो पराजित होकर लौट जाए। अमात्य की डांट सुनकर कोलीन एक पल के लिए तो सक पका गया था, फिर उसने क्रोध से तिलमिलाते हुए कहा, तुम नहीं जानते अमात्य, वहां पलाक्ष द्वीप से वो अधम चंद्रगुप्त और उसका सेनापति उग्रसेन हेलेना को मुझसे छीन कर ले गए थे। तब से मैं प्रतिशोध की आग में जल रहा हूं। उस उग्रसेन को तो मैंने मार डाला, लेकिन वह चंद्रगुप्त अभी तक जीवित है। जब तक मैं उसका वध नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सुनकर अमात्य सहसा मुस्कुरा दिया, फिर उसने कोलीन के निकट आते हुए कहा, निश्चिंत रहो कोलीन, चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने वाला अभी जीवित है, और उसका प्रतिशोध तुमसे भी पुराना है, और वैसे तुम भी इस प्रतिशोध में उसकी सहायता ही कर रहे हो, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो और सब कुछ भूल कर बस आर्किलीस के आने की प्रतीक्षा करो। यद्यपि कोलीन को अमात्य के बात समझ में नहीं आई, किंतु वो मनी मन बोला, कल आर्किलीस अपनी सारी सेना लेकर यहां आ जाएगा, तब हेलेना भी मेरे कब्जे में होगी और मगध भी। इधर जहां कोलीन हेलेना के साथ साथ अब मगध को भी हासिल करने का स्वप्न देख रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कोलीन के विश्वासघात से क्रोधित होकर सेल्यूकस ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी को कोलीन की तलाश में उसी दुर्गम वन क्षेत्र में भेजा था, जहां से एक रास्ता मगध की पश्चिमी सीमा की ओर जाता था। तेजी से आगे बढ़ती हुई सैनिक टुकड़ी जंगल की सीमा पर पहुंचकर रुक गई थी। ग्रीक सेनानायक ने सभी सैनिकों से कहा, तुम सब लोग जंगल में फैल जाओ, वो अधम कोलीन यहीं कहीं छुपा होगा, जैसे ही वो दिखाई दे
तुरंत उसका वध कर डालना। तुम में से जो भी उसका सर काटकर स्वामी सेल्यूकस को भेंट करेगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक हवा में उड़ती हुई एक तलवार वहां आई और अगले ही पल सेना नायक का सर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। सभी ग्रीक सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी जंगल में तेज हलचल हुई और अगले ही पल एक विशाल सेना उनके सामने आ खड़ी हुई। यह मगध की सेना थी जिसका संचालन चंद्रगुप्त कर रहा था। वो ऊंचे स्वर में चिल्लाया, कोलीन मेरा शिकार है, उसका सर मैं सेल्यूकस को भेंट में दूंगा, किंतु यदि सेल्यूकस मेरे हाथों जीवित बचा तो। ग्रीक सैनिक अभी कुछ कर पाते कि चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, केवल एक ग्रीक सैनिक को छोड़कर बाकी सबको मार डालो। तुरंत ही एक अश्वारोही सैनिक टुकड़ी आगे बढ़ी और उसने ग्रीक सैनिकों पर भीषण आक्रमण कर दिया। ग्रीक सैनिकों में हाहाकार मच गया। वे इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और अपने प्राण बचाकर भागने लगे, किंतु मगध के सैनिकों ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक उनका वध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे ग्रीक सैनिक मारे गए। केवल एक सैनिक जीवित बचा जिसे चंद्रगुप्त के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। उसने जब चंद्रगुप्त को देखा तो वो भय से कांपने लगा, क्योंकि चंद्रगुप्त की आंखों में प्रतिशोध से भरी एक हिंसक चमक दिखाई दे रही थी। चंद्रगुप्त उसके निकट आते हुए कठोर स्वर में बोला, तुम्हें इसलिए जीवित रखा गया है सैनिक, ताकि मगध को मिट्टी में मिला देने का सपना देख रहे उस सेल्यूकस को तुम यह बता सको कि उसका काल चंद्रगुप्त सिंध आ पहुंचा है। जाओ और जाकर उससे कहो कि भले ही यूनान से उसकी सारी सेना आ जाए, लेकिन ये चंद्रगुप्त उसे मगध की धरती पर पैर भी नहीं रखने देगा, और मैं अब उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि अब सीधा सिंध के राज महल पर आक्रमण करूंगा, जहां वह घमंडी सेल्यूकस पोरस के राज सिंहासन पर कब्जा जमा कर बैठा है। ग्रीक सैनिक चुपचाप वहां से चला गया। चंद्रगुप्त ने अपने सेनानायक से कहा, गांधार यहां से ज्यादा दूर नहीं है, और इस समय सेल्यूकस की सारी सेना हम पर आक्रमण करने के लिए सिंध में जमा होगी। यह हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है, इसलिए तुम तुरंत दो सैनिक टुकड़ियां लेकर जाओ और गांधार पर आधिपत्य कर लो, जबकि मैं बाकी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने जा रहा हूं। सेना नायक तुरंत दो सैनिक टुकड़ियां लेकर गांधार की ओर रवाना हो गया। चंद्रगुप्त भी अपनी सेना को सिंध की ओर कूच करने का निर्देश दे ही रहा था कि सहसा वो रुक गया, क्योंकि उसे अचानक दूर जंगल में से किसी घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी थी। तो आखिर ये कौन है जो अचानक यहां जंगल में चला आया है? और उधर क्या कोलीन का संदेश मगध के राजमहल में पहुंच पाएगा, और क्या अमात्य की योजना सफल हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य सिर्फ पॉकेट एफएम पर।